हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में, इसकी क्या यूनिट होती है और वन डिफाइन करेंगे हम, डिफाइन वन कुलाम। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि डिफाइन डिफाइन वन कुलाम। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले देखो, पढ़ रखा है आपने इसमें, इससे पहले बताया हुआ है आपको फोर्स इस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, के की जगह पर क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू बता रखी है मैंने, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी पुट कर सकते हैं हम, लेकिन अभी यहाँ पर पुट नहीं करना, हमको ये डिफाइन करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे जैसा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको बस ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर हमें अगर कंडीशन होती है, अगर इफ Q1 Q2 दोनों बराबर चार्जेस हैं, Q1 Q2 दोनों इक्वल चार्जेस हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q के इक्वल लिख सकते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो हम किसको Q के इक्वल लिख सकते हैं, तो हमें यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, दोनों Q Q हो जाएंगे तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 दोनों इक्वल है तो Q Q हो जाएंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में R स्क्वायर। अब यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालो, Q स्क्वायर यही रहेगा तो R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, K नीचे आ जाएगा, तो F R स्क्वायर ऊपर चला गया, K नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये जो है, अब यहां पर क्या करेंगे हम, एक और कंडीशन होगी, इफ फोर्स इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ये जो हमारा फोर्स है हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग फोर्स। ठीक है, क्योंकि हमें वन कूलम डिफाइन करना है, और के की वैल्यू मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 πε₀ इज इक्वल टू क्या होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 10⁻¹। आर की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, जो डिस्टेंस होगा उनके बीच का, हम डिस्टेंस ले रहे हैं 1 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या ले रहे हैं उनके बीच का, 1 मीटर ले रहे हैं, तो इन सभी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आपको ये याद रखना है, ये एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 × 10⁻⁹ अपॉन में 1 r² का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन में 9 × 10⁻⁹। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, q² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, q इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, √1 क्या होगा, ±1, ये आपका आ गया q इज इक्वल टू ±1। तो यहां पर यहां तक आपको इसको डिफाइन करना है, यहां तक आपको करने के बाद क्या लिखना है, हेंस द चार्ज इज सेट टू 1 कूलम्ब व्हेन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, आपने फोर्स क्या लिया था, 9 × 10⁻¹, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस क्या लिया था हमने, 9 × 10⁻¹ न्यूटन, एंड और के की वैल्यू तो हमें पता ही है पहले से, लेकिन डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज 1 मीटर इन वैक्यूम एंड फ्री सरफेस। ठीक है, ये आपका है 1 कूलाम, इसको आप ऐसे डिफाइन करो। ठीक है स्टूडेंट, डिफाइन करके ये लिख, ये कर दो या ये करके डिफाइन कर दो, आपका सही माना जाएगा, तो ये इसको ऐसे करते हैं। इसकी अगर कुछ और एक चीज और बताना चाहता हूं आपको साथ साथ में, कि जो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या पढ़ा था आपने, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है, तो वो किसमें होती है, एसआई में होती है कि सीजीएस में होती है, तो जो चार्ज की यूनिट कुलाम जो होती है ना, जो इतने देर से आप कुलाम पढ़ रहे हो, किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, तो वो किस,
एसआई यूनिट में माना जाता है। लेकिन अगर वही सीजीएस यूनिट में पूछा जाए आपसे तो क्या बोलोगे? इसको फर्स्ट जो यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, और एक और यूनिट होती है सीजीएस में जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, इसको हम एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, लेकिन आप दो लिख दोगे तो वो बहुत है। ठीक है, तो ये होती है आपकी यूनिट जो एसआई में होती है और सीजीएस में आपकी ये दो यूनिट होती है। ठीक है, तो यहां तक आप जो पढ़ रहे हो कूलाम वो किसमें पढ़ रहे हो? एसआई। तो मोस्टली हम एसआई यूनिट ही पढ़ते हैं। जो होता है स्टूडेंट्स, तो 1 कूलाम किसके बराबर होता है? 3×10⁻⁹ स्टेट कूलाम के बराबर। ठीक है, स्टेट कूलाम के बराबर होता है। तो आपसे ये रिलेशन पूछ भी सकता है छोटा सा एक मार्क्स में कि क्या रिलेशन होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज के बीच में। तो क्या बताओगे कि 1 कूलाम बराबर होता है 3×10⁻⁹ स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, दोनों ही क्या है, इसी की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर एंड करता हूँ इस वीडियो को। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो जाकर सब्सक्राइब करो अभी, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।